अमृतपाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है अर्पिता, और ये बात वो भली भांति जानता है। उसकी घेराबंदी तेज हो गई है, जगह जगह पर नाकेबंदी है, अब ज्यादा ठिकाने बचे नहीं है उसके छिपने के लिए। बिल्कुल, और होशियारपुर से अमृतसर तक ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आखिर कहां है अमृतपाल? मनैया गांव में पुलिस को चकमा देकर कहां भागा? क्या मनैया गांव में ही छिपा है या फिर गांव की घेराबंदी से भी निकल गया? अमृतपाल के प्रोपेगेंडा वीडियो के बाद अटकलें हैं कि वो किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। कयास तो यह भी है कि इसके लिए स्वर्ण मंदिर को चुन सकता है। इस कयासबाजी के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा सख्त है, पुलिस की घेराबंदी बढ़ा दी गई है। गोल्डन टेंपल प्लाजा के की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो हेरिटेज स्ट्रीट से रास्ता गोल्डन टेंपल की तरफ आता है, वहां पे भी पुलिस की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, पुलिस के जवानों की तादाद को बढ़ाया गया है। 13 दिन से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाला अमृतपाल कुछ दिनों में सरेंडर की कोशिश में है, इसकी तस्दीक अमृतपाल ने वीडियो में की है। वो बार बार बता रहा है कि वो गिरफ्तारी से डरता नहीं, घर से गिरफ्तारी होती तो देता। ये बताता है कि सरेंडर की प्लानिंग उसकी सोची समझी साजिश है, जिससे वो खुद को धर्म का लंबरदार बता सके और उससे भगोड़े होने का दाग भी धुल जाए। बाकी जी गिरफ्तारी की गल है वो सतगुरु सच्चे पातशाह दे हत्थ है, मैं चढ़दी कलां च हां, कोई मेरा वाल निंगा नहीं कर सकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बिखड़े पैंडे दे तोरिया प्रीख्या ली है, पर उस मालिक ने चोजी प्रीतम ने बहुत साथ दिता है, ऐसा उन्हें मेर कृपा की है कि जिड़ी बयान तो बाहर है एडे वड्डे घेरे तो निकल जाना, यह बड़ी वड्डी दयानदारी सी सतगुरु सच्चे पातशाह दी। सूत्रों की माने तो पहले अमृतपाल ने विदेशी चैनल पर सरेंडर की प्लानिंग की थी, इसी मकसद से वो 28 मार्च को जलंधर जा रहा था, लेकिन मनैया गांव के नाके पर जब उसकी गाड़ी रोकी गई तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर इनोवा गाड़ी से उतरकर खेत में भाग गया। 7 बजे ना सानू गुरुद्वारे ग्रंथी दा सी वॉलीबॉल खेलदे सी, उत्थे फोन आया फिर पुलिस दी गड्डी आ गई। जदों असीं 7:30 बजे इत्थे आए आ ना तां नोवा गड्डी च गड्डी उत्थों मुड़ी आ बड़ी तेज, इत्थे आ के रुक गई गड्डी, इत्थों आ के बंदा एक दौड़ गया उत्थों दी, ओह किसे ने नहीं पछाणिया भई कौन सीगा कौन नहीं, ता एक बंदा इत्थों दी इह ना कंध टप के गया, ता कंध टप के गया, उस तो बाद जानू फोर्स आ गई है सर 20 मिंटां दे विच, तकरीबन फोर्स आ गए 20 मिंटां दे विच, उन्हें अपना सर च ऑपरेशन करता, पिछे स्कूल आ उन्हें स्कूल भी सारा चेक किया आले दुआले इधर नूं ता सारे खेते खेते आ। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल की गाड़ी फिल्मी अंदाज में मनैया गांव में घुसी, जोगा सिंह तेज स्पीड से इनोवा को एक गुरुद्वारे के अंदर ले गया। दावा है कि गाड़ी छोड़कर अमृतपाल, पपलप्रीत और जोगा सिंह खेतों की तरफ भाग निकले। पुलिस जब इनोवा के पास पहुंची तो गाड़ी खाली थी। अमृतपाल के होशियारपुर के मनैया में होने की खबर के बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया, चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया गया, हर घर की तलाशी होने लगी, लेकिन अमृतपाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं, अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। सुनने में भी कोई तीन मांगे हैं कि ऐसे टॉर्चर ना किया जाए, मुझे अमृतसर जेल में रखा जाए, आपको कोई ऐसा कोई मेरी नोटिस में सरेंडर करना चाहिए? नहीं, मेरे साथ उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुट अप की गई है, लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। चश्मदीदों के बयान से साफ हो गया कि 28 मार्च को भागने वाला अमृतपाल ही था। इस तस्दीक के बाद पता चला कि जिसके नेपाल भागने की खबर थी वो पंजाब में छिपा था, लेकिन 2 दिन बाद भी अमृतपाल की कोई खोज खबर नहीं है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।